लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। हिंदी भाषी नेता और बीजेपी के उत्तर भारतीय मोर्चा के यूपी सेल के नव नियुक्त जिलाध्यक्ष मार्कंडे केवट हरिओम ने आज अपने चाहने वालों के बीच जन्मदिन मनाया। इस अवसर पर पूर्व महापौर सुधाकर सोनाव ने, वरिष्ठ साहित्य कर्मी अरविंद राही, बीजेपी उत्तर भारतीय मोर्चा के जिलाध्यक्ष राजेश राय, निवर्तमान नगर सेवक मधुकर मुकादम, राजेश शिंदे, राजेंद्र इंगले, उद्यमी अनिल कुमार सिंह और कमर अली चौधरी समेत बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद थे। यहां तमाम लोगों ने पुष्प गुच्छ देकर हिंदी भाषी नेता मार्कंडे हरिओम को बधाइयां दी। देखिए झलकियां। नवी मुंबई बीजेपी के यूपी सेल के संयोजक मार्कंडे केवट हरिओम ने आज पार्टी पदाधिकारियों और तमाम समर्थकों के बीच अपना जन्मदिन मनाया। पूर्व मेयर सुधाकर सोनाव ने, बीजेपी उत्तर भारतीय मोर्चा के जिलाध्यक्ष राजेश राय, वरिष्ठ साहित्यकर्मी अरविंद राही, उद्यमी अनिल सिंह और कमर अली चौधरी समेत तमाम लोग मौजूद थे। मार्कंडे हरिओम ने यहाँ केक काटा और सैकड़ों लोगों की शुभकामनाएँ स्वीकार की। इस अवसर पर उन्हें जन्मदिन की बधाई देने वालों में नगर सेवक राजेश शिंदे, राजेंद्र इंगले, पूर्व नगर सेवक मधुकर मुकादम खास तौर पर मौजूद रहे। साहित्यकर्मी अरविंद राही ने मार्कंडे केवट हरिओम को एक समर्पित समाज सेवी और उत्तर भारतीय नेता करार देते हुए उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। मार्कंडे जी को ढेर सारी शुभकामनाएं, जिनको हम लोग प्यार से हरिओम जी बोलते हैं, ढेर सारी शुभकामनाएं। और मुझको ऐसा लगता है कि उनके जीवन का जो सूर्य है वो अभी उदय हुआ है और अभी ये बहुत ही लंबी यात्रा चलनी है और हम सबकी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं कि ये सूर्य अपने शिखर पर पहुँचे। और ये निश्चित मानिए कि ये सूर्य की जो यात्रा है शिखर पर पहुँचने की, उससे समाज भी लाभान्वित होगा और उनकी स्वयं की गरिमा बढ़ेगी, यश बढ़ेगा। यही हम सब मित्रों की शुभकामनाएँ होती हैं। एक चंद पंक्तियाँ हैं कि मैं कब कहता हूँ ये अच्छा बहुत है, मैं कब कहता हूँ ये अच्छा बहुत है, मगर इसने हमें चाहा बहुत है। प्रभु इस शख्स को महफूज रखें, ये बच्चों की तरह हंसता बहुत है। ईश्वर इनका भोलापन बरकरार रखें, जो प्रतिबद्धता है समाज के प्रति वो बनाए रखें और ये अनवरत रूप से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें, स्वयं भी लाभान्वित हों, समाज को अपने कृत्यों से लाभान्वित करें, यही हमारी शुभकामना है। वहीं खुद मार्कंडे केवट हरिओम ने बीजेपी नेताओं, पार्टी कार्यकर्ताओं और सैकड़ों चाहने वालों से मिली शुभकामनाओं के बदले आभार जताया और जनसेवा कार्यों को आगे भी जारी रखने का संकल्प दोहराया। आइए सुनाते हैं उन्होंने और क्या कुछ कहा। सबसे पहले तो मैं, जो भी हमारे अतिथि लोग आए हैं, उनको
अंतःकरण से धन्यवाद देता हूँ और उनको मैं अपने तरफ से बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, ताकि वो लोग हमें इस काबिल समझा, इतने दूर दूर से आए, इतना बारिश है, फिर भी लोग पनवेल से, थाना से, ये जो उनका प्रेम है हमारे प्रति, वो सचमुच में ही एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि, और उन सब लोगों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। इसी माध्यम से मैं हमारे आए हुए अतिथि धन्यवाद देता हूँ कि सब लोग ऐसे ही प्रेम स्नेह बनाए रखें। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।